हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का टाइटल है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप अपने आप को किस नजर से देखते हो। आपने अपने दोस्तों को एक जुमला कहते हुए सुना होगा कि ये अपने आप को समझता क्या है यार, या फिर वो ऐसा भी बोलते हैं कि ये आदमी अपने आप को समझता क्या है। तो वो जिस भी आदमी की बात कर रहे हैं और वो आदमी अपने आप को क्या समझ रहा है, उसी को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप अपने आप को किस नजर से देखते हो। और ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि जिस नजर से आप अपने आप को देखते हो, पूरी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। क्योंकि अपने आप को आप जिस नजर से देखते हो, वो चीज आपकी पूरी पर्सनैलिटी में झलकती है। ये चीज आप उसे अपनी ही आंखों से महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कुदरत ने आपको इस तरह से डिजाइन किया है कि आप बाहर की दुनिया को दे सकते हो, खुद को नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा वर्क इतना हेल्पफुल होता है कि जो लोग आईने के सामने खुद से बातें करना पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि मैं जब किसी के सामने जाऊंगा तो मैं किस तरह से बर्ताव करूंगा, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज होगी, कैसा मैं दिख रहा हूंगा। तो इस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में पता होता है। तो मिरर वर्क यानी आईने के सामने खुद को देखना, खुद की सारी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, अपने आप से अच्छे अच्छे बेहतर अफर्मेशन बोलना कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, मैं सबसे अच्छा काम करता हूं, मैं सबसे कामयाब हूं, मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कामयाबी और क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें की हैं। तो इस तरह की बातें जब आप खुद से आईने के सामने करते हो तो आपको याद आता है कि आपने एक्चुअली क्या क्या किया है और आप एक्चुअली कौन कौन हो, आपकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप में क्या बेहतर है। तो ये आपके लिए खुद का एक बेहतर सेल्फ कंसेप्ट बनाना आसान हो जाता है। और इसके अलावा और भी अगर कोई तरीके अगर आप सीखना चाहो कि मैं अपना सेल्फ कंसेप्ट कैसे सुधारूं, तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं कि आप अगर मिरर के सामने हेल्पफुल नहीं हो पा रहे हो, मिरर के सामने खुद से बात करने में आपको मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप एक डायरी और पेन ले लो और उस पर अपनी क्वालिटीज को राइट डाउन करना शुरू कर दो। अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट, खुद की तारीफ करना अपनी डायरी में शुरू कर दो, अपने जर्नल में शुरू कर दो। आप अपने आप में कितना, अपने आप को कितना जानते हो, आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, आपकी कौन कौन सी बेहतर क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी बेहतर क्वालिटीज पे आप आगे लाइफ में काम करना चाहते हो, किन जगह पे आप डेवलप होना चाहते हो और किन जगह पे आप ऑलरेडी डेवलप हो चुके हो। तो इस तरीके से आप अपना एक सेल्फ एप्रिसिएशन जर्नल, अपनी खुद की तारीफ करने का एक जर्नल बना सकते हो। और कोई तरीका अगर आप ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे आप इंटरनेट पे और सेल्फ हेल्प की बुक्स में आपको आई एम अफर्मेशन मिल जाते हैं, मतलब ऐसे महावाक्य या प्रतिज्ञान या संकल्प या पवित्र वचन जो मैं हूं से शुरू होते हैं, मतलब हिंदी में मैं से शुरू होते हैं, हूं पे खत्म होते हैं, और इंग्लिश में आई एम से शुरू होते हैं। तो उनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, यहां मैं एप्लीकेबल वर्ड स्पेसिफिकली बोल रहा हूं क्योंकि जो चीज से आप रिलेटेबल कंटेंट उठाओगे तो उसे अपने अंदर आत्मसात करना आपके लिए आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए आई एम स्ट्रांग कहना, मैं मजबूत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ताकतवर हूं, ये कहना आपके लिए रिलेटेबल है, एप्लीकेबल है, तो आप इसे बोलिए। इससे आपको एक अंदर से ताकत मिलेगी कि यार मुझे पता है मेरी ताकत कहाँ का है, मुझे पता है मेरी शक्तियां कहाँ का है, मेरी क्वालिटीज कहाँ का है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो आई एम डेफिनेटली स्ट्रांग, मैं वाकई में बहुत शक्तिशाली हूं। तो एप्लीकेबल अफर्मेशन को चूज करो सबसे पहले, उसके बाद वो अफर्मेशन अगर आप एड ऑन करना चाहो, जोड़ना चाहो अपने अफर्मेशन की लिस्ट में जो आप नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो अफर्मेशन का एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ एक उदाहरण है। जैसे आई एम ए विनर, मैं एक विजेता हूं, ये अफर्मेशन अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप लाइफ में हमेशा जीतते रहोगे। लेकिन अगर फॉर एनी रीजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो भी आप उसे अपने अंदर आत्मसात कर सकते हो कि मुझे विनर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप वो चीजें राइट डाउन कर सकते हो, या फिर अपने मन में पहले से ही एक विनर की इमेज बना सकते हो। उस विनर की इमेज अपने अंदर बना के फिर सोच सकते हो कि उस विनर की इमेज और मुझ में
क्या क्या फर्क है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और वो विनर की इमेज आपके अंदर जब बनेगी तो वो विनर की इमेज अपने आप आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस, मतलब आपके अंतर ज्ञान में आपको एक दिशा निर्देश देने लगेगी अपने आप, वो आपको खुद ही गाइड करने लगेगी। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैंने जो सपना अपने अंदर धारण किया वो सपना मेरे एक अस्तित्व का हिस्सा बन गया और वो मुझे ज्ञान देने लगा, वो मुझे दिशा निर्देश देने लगा, वो मुझे रास्ता दिखाने लगा। और कुछ ऐसा ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आपको रात में सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और वो सोने क्यों नहीं देते, हालांकि उन्होंने यहीं तक कहा था कि सोने नहीं देते, उसके आगे की लाइन मैं बोल रहा हूं कि वो सोने इसलिए नहीं देते क्योंकि वो आपको गाइड करते रहते हैं, वो आपको इंस्पायर करते रहते हैं, वो आपको प्रेरणा देते रहते हैं, वो आपसे कहते रहते हैं कि तुम कुछ करो, कुछ अपने आप में बेहतर बनो, अपने अंदर कुछ और डेवलप करो, कुछ नया सीखो। तो वो सपने आपको दिशा निर्देश देने लगते हैं। और कुछ एक और बात जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने कही थी कि सपनों में जान होती है, और ये बात जो उन्होंने कही थी कि सपनों में जान होती है, ये बात को मैंने बहुत प्रैक्टिकली महसूस किया है कि जब आप एक सपना अपने अंदर जीने लगते हो, चाहे वो सपना कोई भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी का सपना हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का सपना हो सकता है, आपके ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल हालत का सपना हो सकता है, एक हीलिंग का बॉडी का हेल्थ का सपना हो सकता है, कोई दूसरा सपना भी हो सकता है जो भी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर रोड ट्रिप हो या किसी कोई नया घर लेना हो या कोई नया खुद का बिजनेस खड़ा करना हो, कोई भी सपना हो सकता है। एक बार सपना आपके अंदर आपने डाल लिया, आपको सिर्फ उसे अपने अंदर इस तरह से डालना है कि मुझे एक दिन इसे सच करना है, दैट्स इट। अब कई लोग लिव इन द एंड, जो नेवल गुडार्ड का एक टीचिंग है, उसे कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि यार लिव इन द एंड होता क्या है। लिव इन द एंड बहुत सिंपल है, सपने को अपने अंदर डाल लो कि मुझे इसे एक दिन सच करना है, वो सपना ही आपको गाइड करने लगेगा। सपना अगर आपके अंदर है तो बाहर जरूर आएगा, वॉट एवर इज इनसाइड मैनिफेस्ट आउटसाइड, जो अंदर होता है वो बाहर मैनिफेस्ट होके ही रहता है। तो अपनी सेल्फ इमेज में, अपने सेल्फ कंसेप्ट में, अपने अंदर जो आपका एक इनर सेल्फ है उसमें वो सपने को डालो, फिर अपने आप वो सपना आपको गाइड करने लगेगा। और अगर मैं अपनी लाइफ के अलग अलग जो एरियाज हैं उसके प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको समझाऊं, तो जैसे मनी से शुरुआत करते हैं, मेरे लिए शुरू में जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नया नया आया था और पहली बार इस सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लॉस को कॉन्शियसली जब पढ़ा था और सीखा था, तो मेरे लिए मनी मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा कठिन था क्योंकि मेरे अंदर एक सेल्फ बिलीफ जिंदगी से बन गया था कि आप नौकरी करोगे तो ही पैसा आएगा, ये मेरा एक बिलीफ पहले से बन गया था, अपने आप जिंदगी ने बना दिया था। तो मेरे लिए मनी मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा एक लिमिटेड सा हो गया था कि जितना बॉस देगा उतना ही मैं कमाऊंगा, अपने बॉस को ही ज्यादा खुश करो तो वो इंक्रीमेंट बढ़ाए, इस तरह की मेरी थोड़ी लिमिटेड सोच थी। लेकिन मेरे अंदर एक प्लस पॉइंट था कि मेरे अंदर जिज्ञासु नेचर है, क्यूरोसिटी है कुछ भी नया सीखने की, कुछ भी नया करने की। तो मैं दिन रात अलग अलग तरीके ढूंढता रहता था कि क्योंकि अंदर से आवाज आती थी कि जैसे मैंने सपना अपने अंदर डाला कि मुझे अपनी फाइनेंशियल हालत को सुधारना है, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा मैनिफेस्ट करना है, तो सपना मुझे गाइड करने लगा कि इससे जुड़ी और भी कई तरीके हो सकते हैं, तुम्हें बस उन तरीकों को सीखने और जानने की जरूरत है। तो मैं वो सारे तरीके ढूंढता रहता था और फिर मुझे मेरे को रेवरेंड आइक नाम से एक टीचर मिले जिन्होंने इस पूरे मनी मैनिफेस्टेशन कंसेप्ट को बहुत सरल कर दिया, इतना सिंपल कर दिया, एक अफर्मेशन, सिंगल एक अफर्मेशन पे खत्म कर दिया, आई एम मनी, मैं दौलत हूं या मैं ही दौलत हूं। और इसे मैंने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। कैसे अप्लाई किया, मैं इस अफर्मेशन के साथ जीने लगा, मैं दौलत हूं, आई एम मनी, मैं इसके साथ जीने लगा, लाइफ की हर चीज में अपने आप को कनेक्ट करने लगा, और जहां भी मैं खुद को कनेक्ट करता था वहां पे आई एम मनी अफर्मेशन को भी कनेक्ट करता था कि अगर मैं दौलत हूं और इस जगह मैं जा रहा हूं तो यहां पे मैं दौलत कैसे हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर इंसान से मिल रहा हूं तो मैं ऐसे दौलत के रूप में अगर मिलूं तो कैसे मिलूं। और उन्हीं दिनों में एक दिन की बात है कि मेरी माँ ने मुझसे ऐसी प्यार करते वक्त, ऐसी लाड़ करते वक्त उन्होंने बोला था कि बेटा हमारी सबसे बड़ी दौलत तो तुम ही हो, तो तब मुझे आंसर मिला, अच्छा तो इस तरीके से ये अप्लाई होता है। और फिर मेरे को धीरे धीरे लाइफ के हर जगह एप्लीकेशन इसके मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो उस टाइम आप एक चलती फिरती दौलत होते हो अपने खुद के लिए, क्योंकि जितना अच्छा आप अपने आप को उस एचआर या उस सो कॉल्ड एम्प्लॉयर के सामने बेच सकते हो कि मैं कि सर मेरी कितनी अच्छी क्वालिटीज है, आपको मुझे ही क्यों हायर करो, तो आप जितना
अच्छी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अंदर उस टाइम होता है अपने दिमाग में कि मैं अपने आप को कितना अच्छा रिप्रेजेंट करूं, उतनी अच्छी जॉब पोजीशन मिलने के आपको आसार होते हैं। और दूसरी जगह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो कोई सेल्समैन होता है तो वो जितना अच्छा अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने आइडियाज को सेल कर पाता है उतना ही अच्छा उसे बाद में प्रॉफिट मिलने के आसार होते हैं, उतना ही अच्छा उसका बिजनेस हो पाता है। और अपने सो कॉल्ड प्रोडक्ट, सर्विस या जो भी वो बेच रहा है उसे वो तभी अच्छे से सेल कर पाता है जब वो उस प्रोडक्ट सर्विस के बारे में खुद को रिलेट करके, खुद से अप्लाई करके कि मैंने अगर इस चीज को इस्तेमाल करता तो मेरी लाइफ क्या होती। जितना ज्यादा वो खुद के लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता है तो उसके लिए बेचना आसान हो जाता है। और भी ज्यादा प्रैक्टिकल अगर मैं उदाहरण पे जाऊं तो कोई भी बिजनेस एक आइडिया से शुरू होता है और आइडिया को कैरी कौन करता है? आप खुद। तो आप एक आइडिया को कैरी कर रहे हो, मतलब आप अपनी दौलत खुद हो। तो ऐसे अगर आप लाइफ के हर चीज से रिलेट करोगे कि आप खुद एक चलती फिरती दौलत हो। और भी ज्यादा प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिर्फ पर्सनैलिटी ही होना एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट जब बेचते हैं तो किसी सो कॉल्ड मॉडल या एक्ट्रेस का दिखना ही बहुत होता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या फिर किसी कंपनी में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय इतना पावरफुल होता है कि वो अगर है, मतलब एम्प्लॉयर को की नजर से अगर मैं देखूं तो एम्प्लॉयर हमेशा किसी एक एम्प्लॉय के बारे में हमेशा बोलते हैं कि वो अगर है तो मेरी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। उस एम्प्लॉयर के लिए वो एम्प्लॉय एक चलती फिरती दौलत है। तो उस सो कॉल्ड एम्प्लॉय ने, कर्मचारी ने अपनी सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ इमेज एक दौलत जैसा बना रखा है कि उसका एम्प्लॉयर, उसके बॉस को वो दौलत के रूप में दिखता है। तो ऐसे आप किसी भी जगह से रिलेट कर सकते हो। अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाऊं तो कुछ साल पहले मुझे जाना पड़ेगा जब मेरे को एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हुआ था और मेरे को काफी लंबा कोर्स दे दिया गया था दवाइयों का, और मेरा वजन भी बहुत कम हो गया था। मैं 44 केजीज का हो गया था, 44 किलो का हो गया था, इतना कमजोर हो गया था मैं। और उस टाइम मुझसे ज्यादा खाना भी नहीं खाता था, लेकिन तब मैंने अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाया था, आई एम हीलिंग एंड थैंक यू फॉर माई हीलिंग। मैं भगवान को, कुदरत को, उस मालिक को जो हम सबके अंदर बाहर हर जगह है, कण कण में है, तो उस प्रत्येक एटम में जो एक ईश्वर छुप है, उस ईश्वरीय शक्ति को मैं हमेशा थैंक यू फॉर माय हीलिंग, आई एम हीलिंग, मैं चंगा हूं, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद, आई एम हीलिंग, थैंक यू फॉर माय हीलिंग, मैं चंगा हूं, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ मैं जी रहा था। मिराकुलसली मेरे कोर्स खत्म होने से पहले ही मैं पूरा ठीक हो गया था। मुझे अभी भी याद है, मेरे डॉक्टर ने कहा था जब मेरे टेस्ट आए थे कुछ महीनों बाद, तो उन्होंने कहा था कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब आप सिर्फ अपने कोर्स को खत्म करने के लिए दवाई कंटिन्यू करो ताकि आगे आपको ये इन्फेक्शन दोबारा ना हो, अदरवाइज आप 100% ठीक हो गए हो। और मुझे पता है वो डॉक्टर सही बोल रही थी। क्यों? क्योंकि 12th के बाद मैंने कुछ साल प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी में बिताए हैं, तो डॉक्टरी रिपोर्ट जो होती है, मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ना आता है मुझे। सो मैं जानता हूं कि वो डॉक्टर कितना सही बोल रही थी। और भी अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊं, जैसे सेल्फ कंसेप्ट को आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हर सोशल मीडिया पे लोग लव और रिलेशनशिप के मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि आप अपने आप को जिस नजर से देखते हो, पूरी दुनिया आपको उसी नजर से देखती है, और यही बात आपके रिलेशनशिप के मैनिफेस्टेशन में लागू होती है। इसे मैं सिंपल भाषा में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से अगर रिलेट करके बताऊं तो मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं, नॉट ओनली द रोमांटिक रिलेशनशिप बट ऑल्सो द फ्रेंड्स, बट ऑल्सो द एम्प्लॉयर्स, बट ऑल्सो द कलीग्स, मतलब जो भी तरह का इंसान मेरी जिंदगी में आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एक ऊंची नजर से देखा। जब भी मैं किसी इंसान से मिलता था या अभी भी मिलता हूं तो मुझे पता है मैं कौन हूं, मेरी क्वालिटीज क्या है, मैं अपने आप में कितना कामयाब हूं, मुझे अपने आप को, मेरी नजर में मैं अपने आप को किस नजर से देखता हूं, ये मेरे को हमेशा पता रहता है। तो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं अभी ऐसे दे सकता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक शादी में गया था, और बचपन से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ज्ञान है क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, तो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी पे डिस्कशन होना एक नॉर्मल बात है। तो बचपन से ही ये चीजें, बिकॉज ऑफ बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने की वजह से यहाँ पे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का, ज्योतिष का, इन सब का डिस्कशन होता रहता है। तो मुझे हाथ देखना आता है, मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, मुझे वास्तु की नॉलेज है। तो उस वजह से जब मैं शादी में गया था तो उन लोगों को पता था, अरे महाराज जी आ गए, ऐसी लाड़ प्यार में मुझे महाराज जी बोलते रहते हैं।
तो उन्होंने मेरे को घेर लिया और फिर मुझे क्या कहते हैं करीब आधा दर्जन लोगों के हाथ देखने पड़ गए। लेकिन उस वजह से मेरे जो सेल्फ मेरी जो एप्रिसिएशन वहां हो रही थी, जो मेरी तारीफ वहां हो रही थी, उसे देख के मैं बड़ा ग्लैड खुद पे फील कर रहा था, क्योंकि वो क्वालिटी मैंने अपने अंदर डेवलप की है, इसलिए उस योग्यता की तारीफ हो रही है। और ये योग्यता वाली लाइन मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे उस वक्त बोली थी कि उसके अंदर योग्यता है, इसलिए आज उसकी क्या कहते हैं इतनी बूझ हो रही है। बूझ का मतलब उसकी तारीफ होना, ये हमारी देहाती भाषा का शब्द है, बूझ का मतलब भी तारीफ होना ही होता है। और भी अगर प्रैक्टिकल उदाहरण दूं तो ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, एक सिंपल सा उदाहरण जिससे कोई भी रिलेट करेगा कि एक बार मैं एक कहीं जा रहा था तो मेट्रो के गेट पे मैं खड़ा था, अपने स्टेशन आने का वेट कर रहा था और वहां पे एक कपल ऑलरेडी खड़ा था और वो कपल पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस गेट के बगल में खड़े थे इसलिए दिख गए थे और मैं अपना गेट पे आने की वेट कर रहा था। और फिर मुझे कुछ बात याद आ गई पुरानी और मैं मुस्कुरा पड़ा अपने आप में और मुझे देख के वो कपल में से लड़का बोला था, देखो किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में ही इतना खुश है। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैं उसने बोला कि अपने आप में इतना खुश है, ये कहीं ना कहीं मेरा खुद का सेल्फ कंसेप्ट है। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई नहीं होता है आपके साथ तभी मैं अपने आप में खुश रहना पसंद करता हूं। ये बात मैं इसलिए भी इस वीडियो में बोल रहा हूं क्योंकि जात लोग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो खुद के साथ खुश नहीं रहते। एक लोनलीनेस और अलोन होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। अलोन होना एक ताकत है कि आप अपना संग पसंद करते हो, अपने आप के साथ रहना पसंद करते हो। लोनलीनेस का मतलब है आप डिपेंडेंट हो किसी और के पीछे और आप किसी पे डिपेंड होना चाहते हो और ये अकेलापन आपको काट रहा है, ये लोनलीनेस है। तो लोनली मत रहिए, अलोन रहना पसंद करिए, अपने आप से खुश रहना पसंद करिए। जब आप अपने आप से खुश रहना पसंद करते हैं तो जब आप किसी और के साथ भी होते हैं तो भी आपको अपनी खुशी शेयर करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वही खुशी आप अपने साथ अपने आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को खुश रख रहे होते हैं, तो आपके लिए फिर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। एक और उदाहरण मैं दे सकता हूं कि एक बार मेरी एक जॉब के दिनों की बात है, मेरे कलीग्स थे उनमें आपस में कुछ एक मुद्दे पर लड़ाई हो गई थी और उसके अगले दिन मुझे अपने बॉस, मेरे बॉस का बिल्डिंग किसी शहर में दूसरी जगह था तो मुझे दूसरी जगह जाके उनसे मिलना था और उसी जो एक दिन पहले लड़ाई हुई थी उसी से रिगार्डिंग कुछ बात भी करनी थी। और जब वो मीटिंग हो गई तो उसके बाद मेरे बॉस थोड़ा सा हल्के से नाराज वाले लहजे में मुझे मतलब जब गेट पे छोड़ने आए थे तब बोले कि उस दिन नया साल था तो साल का पहला दिन था 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लड़ाई हुई थी कलीग्स की दूसरे बिल्डिंग में, तो वो थोड़े नाराजगी से बोल रहे थे कि बताइए आज नया साल है, आज तो खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए और तुम लोगों ने आज ही लड़ाई कर ली। एक्चुअली लड़ाई एक दिन पहले हुई थी। तो तब मैंने उनसे कहा कि सर अगर लड़ाई भी हुई तो मैंने तो अपना नया साल उस इंसान के साथ मना रहा हूं ना जो जिसने मुझे हायर किया और जो मुझ पर यकीन करता है और जो अपनी हर बात को डिस्कस करने के लिए मेरे को पहले बुलाता है, मैंने उनके साथ अपना नया साल नहीं मनाया जो कल आपस में लड़ रहे थे, तो मेरे लिए तो और आपके लिए तो अच्छी ही बात है ना। ये बात सुनकर वो इतने क्लैट हुए कि उस इंसान ने इमोशन में आके मुझे उसी टाइम हक कर लिया था बहुत टाइटली, क्योंकि इस बात में कहीं ना कहीं मैंने अपनी तारीफ के साथ साथ उनकी भी तारीफ कर दी थी। और ये बात मुझे इंस्टेंटली क्यों आई दिमाग में, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सेल्फ कंसेप्ट हमेशा से है कि बी स्ट्रांग, अपने आप को मजबूत रखो। तो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर आजकल जो जिस तरह की चीजें मैं देखता हूं, जो जिस तरह के मेरे पास कॉल आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उसमें ज्यादातर जो रिश्ते टूटते हैं वो लोग खुद जब कन्फेस करते हैं तो कहते हैं कि हमारे ईगो की वजह से रिश्ता टूट गया, बट एक्चुअली कारण ईगो नहीं होता है, कारण होता है तुम्हारा खुद में कमजोर होना। कोई भी बात तुम्हें हर्ट कर जाती है और उस बात को लेके तुम सहन नहीं कर पाते हो और तुम्हारी इनसिक्योरिटी में तुम उससे झगड़ा कर लेते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी तुम अगर अपने आप में स्ट्रांग रहो, आई एम स्ट्रांग, आई कैन फेस एनीथिंग, तो बड़ी से बड़ी बात को भी आप एक मजाक में ले लोगे। जैसे मेरी आदत है कि जब भी कोई ऐसी रिलेशनशिप, चाहे वो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ हो या कोई कलीग के साथ हो, कोई एम्प्लॉयर के साथ हो, कोई दोस्त के साथ हो जो चट्टी बड्डी टाइप का दोस्त है उसके साथ हो, जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं तो मैं एक बात कहकर उस इश्यू को टाल देता हूं कि यार तुम बड़े क्यूट हो यार, और वो इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए भी कहना मेरे लिए आसान होता है क्योंकि मैं अपने आप में स्ट्रांग हूं,
मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपना सेल्फ कंसेप्ट अपने आप में स्ट्रांग बनाइए कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं खुश हूं, मैं अपने आप में खुश हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तब आपके लिए रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना सबसे आसान हो जाता है। बाकी मैं आपसे जिरह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, ताकि कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा से आप समझ लो, क्योंकि पहली बार में हो सकता है आपने सिलेक्टिवली देखा हो। और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझे भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। और सेल्फ कंसेप्ट से जुड़ा कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई और सब्जेक्ट पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं बनाऊंगा। बाकी भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू।